नमस्कार। मानेवर की अनुमति से मैं पूरे सभा को प्रणाम करना चाहता हूँ। वो कहते हैं ना कि नया निजाम नई बंदिशें ऐलान नया, नया निजाम नई बंदिशें ऐलान नया। हम फकत लश्करे शाही के ही माफिक सोचे, साहिबे वक्त ने ये हुक्म किया है जारी कि अपनी नस्लों से कह दो मेरे मुताबिक सोचे। मैं बात कर रहा हूँ सन 2004 की, जब हमारे देश की एक कैथलिक औरत प्रधानमंत्री की कुर्सी एक सिख के लिए त्याग देती है और वो सिख अपने प्रधानमंत्री पद की शपथ एक मुस्लिम राष्ट्रपति से लेता है, उस देश की भागदौड़ संभालने के लिए जिसमें 80% हिंदू रहते हैं। महोदय, ये है हमारी देश की सभ्यता। हमें समझने की जरूरत है कि क्या हम थोड़ी देर के लिए अपनी राजनीतिक कोटरों से बाहर निकल सकते हैं। वो कहते हैं ना कि रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। इस सदन में कल से मैं सुनता आ रहा हूं कई सारे बातें हो रही हैं, अनुच्छेद 44 के बारे में कई सारी बातें कही गई। मैं बताना चाहता हूं कि अनुच्छेद 44 जो कि संविधान के भाग 4 में आता है, वो नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात करता है। नीति निर्देशक तत्व क्या है? एक सुझाव है राज को कि राज ये करेगा। ये तुगलकी फैसला नहीं है, ये कोई एक ऐसा फैसला नहीं है जिसे मानना अनिवार्य है। और क्या इसके द्वारा हमारे यहाँ कहा गया कि इक्वालिटी मेंटेन की जाएगी, अर्थात समानता बनाया जाएगा? क्या समानता से हमारा देश चलता है या न्याय से चलता है? हमारा देश न्याय से चलता है, और यदि इस समान नागरिक संहिता से न्याय स्थापित होता है तो क्या हमारे समाज के उस आखिरी पौदान पे खड़े मिजोरम के, नेपाल के, मिजोरम के, नागालैंड के लोग जो वहाँ आखिरी पौदान पे खड़े हैं, क्या उन्हें हमारा समाज जगह देगा? क्या उन्हें जिस चीज़ के लिए ला करके हमारे देश में विलय किया गया था हमारे संविधान में अनुच्छेद जोड़ करके कि तुम आओ तो सही, मैं हर बूंद गंगा कर दूंगा, शाम तलक पूरा शहर तिरंगा कर दूंगा, ये कह करके लाया गया था, क्या उनके साथ समानता बनाई जाएगी? ये विषय महोदय समान नागरिक संहिता 90 के दशक से चलता आ रहा है, लेकिन क्या आज तक किसी भी राजनीतिक दल ने, क्या आज तक किसी भी सरकार ने इसके लिए एक मूल ढांचा दिया कि हिंदुओं को जलाया जाएगा या दफनाया जाएगा या मुसलमान के तरीके से शादी होगी हिंदुओं की? क्या क्या ढांचा होगा आज तक दिया नहीं गया? ये विषय धर्म का नहीं, ये विषय राजनीतिक विषय है। महोदय हमारे सदन में बात किया गया ट्रिपल तलाक के बारे में। क्या ट्रिपल तलाक होता क्या है? कुरान में तलाक सुन्नत तलाकुल बिद्दत की बात की गई है, तलाक बिद्दत जिसको ट्रिपल तलाक कहते हैं, तीन तलाक कहते हैं, अर्थात जिसमें कहा जाता है कि तीन भाग में तलाक होगा, पहले महीने में एक तलाक, दूसरे महीने में दूसरा तलाक और तीसरे महीने में तीसरा तलाक। तलाक 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 बोल करके किसी भी तरह से तलाक देने की साहूकारिता कभी कुरान नहीं करता है, जितनी मेरी समझ कहती है। और उसके बाद जब न्यायाधीश कहते हैं कि इसके ऊपर कानून बनानी चाहिए, तो कानून ऐसी आती है जिसका भाग तीन कहता है कि ये वॉइड है। अब कानूनी अर्थ में वॉइड का मतलब होता है कि ये चीज़ हुआ ही नहीं है, और तालियां तो इस बात पे बजनी चाहिए कि जो चीज़ हुआ नहीं है उसी का भाग चार कहता है कि जो चीज़ हुआ नहीं है उसके लिए मुसलमानों को 4 साल की सजा दी जाएगी। ये हमारे देश का बिल कहता है। महोदय जो बिल हमारे सदन में रखा गया उससे अच्छा महोदय हमारे घर पे बिजली का बिल आता है, हमें जानने की जरूरत है। महोदय बहुविवाह की बात की जा रही थी जिसमें 4 शादियों की इजाज़त दी जाती है, एक विवाह जिससे आप मोहब्बत कर सकते हो और 3 जिसे जरूरत है विधवा औरतों की। महोदय हम समानता की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि विधवाओं की पुनः शादी होनी चाहिए, लेकिन हम इस रिवाज को क्यों छोड़ देते हैं जो कहता है हमें कि उन विधवाओं को, 3 विधवाओं को जगह दिया जाएगा। लोग कहते हैं कि अगर आपको मदद ही करना है तो बीवी बना के क्यों लाए, पत्नी बना के क्यों लाए, अर्थांगिनी बना के क्यों लाए, बहन बना के तो ला सकते हैं। हमारी संस्कृति कहती है महोदय हमें कि अगर हम किसी को अपनी बहन बना के लाते हैं तो हमारा ये दायित्व बनता है महोदय कि हम उसकी हाथ फिर से पीले करके उसे उसी आग में झोंक दें जिससे वो लड़के बाहर आई है, और यदि हम उसे अपनी अर्धांगिनी, अपने आधे की मालकिन बना के लाते हैं तो उसे उसी पौदान पे बैठाया जाएगा जिसकी वो भागीदार है, जिसकी वो हकदार है। महोदय हमें समझने की जरूरत है कि हमारे देश में समान नागरिक संहिता तब तक नहीं आनी चाहिए जब तक ये विषय धार्मिक नहीं राजनीतिक बना रहेगा। ये विषय धार्मिक नहीं रहा है,
ये विषय जब भी रहा है राजनीतिक रहा है महोदय, करेवा के बारे में क्यों नहीं बात किया गया? बात किया गया तो ट्रिपल तलाक के बारे में बात किया गया, बात किया गया तो लव जिहाद के बारे में बात किया सरकार के आने के बाद, लेकिन बाकी चीजों के बारे में बात क्यों नहीं किया गया? अंत में मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि हमारे सभा में जितने बैठे मर्द ये सोच रहे हैं कि हमारे देश की स्त्रियों को उनकी जरूरत है, उनके न्याय दिलाने की जरूरत, उनको मैं बता दूं कि हमारे देश की महिला इतनी सशक्त है कि उसे किसी की जरूरत नहीं है। और एक संदेश देना चाहता हूं यहां पे सारी बैठी माताओं और बहनों को कि सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे, खुद ही अपना चीर बचा लो, अब गोविंद ना आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम इन बिके हुए अखबारों से? कैसी रक्षा मांग रही हो, कैसी रक्षा मांग रही हो इन दुशासन दरबारों से? महोदय मैं कहना चाहता हूं कि कल फिर से चले जाइएगा किसी बवाल पर, मगर बस आज इस वक्त के लिए टिके रहिएगा इस सवाल पर। इसी को कह के अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। ब्राह्मण हूँ, अगर कोई गलती होगी क्षमा कीजिएगा। ब्राह्मण का कार्य जो हमें सिखाया गया है वो ये है कि हम राष्ट्र को दिशा प्रदान करें और हम सच बोलते हैं। धन्यवाद, क्षमा चाहता हूँ।